हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। पर मैं कॉफी पी रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जेरिकेन, फ्यूल जेरिकेन की। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जेरिकेन वाली वीडियो बनाएंगे। तो मैं बता दूं, ये जेरिकेन मैंने बाय की है करोलबाग से, और इसकी जो प्राइस है लगभग 1500 रुपये है। इसके साथ हमें कुछ माउंट मिले हैं जो बाइक के साथ हमें लगाने पड़ेंगे, ताकि बाइक के साथ इजीली फिट हो जाए, हमने बांधने बुनने की झंझट ना हो। नहीं तो मोस्टली मैंने देखा 99% लोग इसको फ्यूल जो भी जेरिकेंस है उसको बांध के ले जाते हैं, और वो रस्सी टूटती है, फ्यूल गिरता है, इधर उधर पड़ता गिरता चलता रहता है। और लद्दाख में जितने भी मैंने बाइक्स देखी हैं, आप भी देखेंगे तो जो जेरिकन लोग यूज करते हैं वो 5 रुपये 10 रुपये वाली जेरिकन होती है, और इतना बेकार प्लास्टिक होता है। अगर बाइक गिर जाए तो सारा पेट्रोल निकल जाएगा, उसमें आग लगने का खतरा रहता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही सॉलिड है, अगर आपकी बाइक गिर भी जाए तो इसमें से पेट्रोल निकलने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। एक तो ये गैस निकालने के लिए ये आपको एक वॉल्व दिया गया है। अगर आप कभी भी पेट्रोल डालें अपनी बाइक में, सबसे पहले अपनी इसको खोल लें, इसमें जो भी अंदर गैस होगी वो निकल जाएगी, उसके बाद आराम से आप पेट्रोल डाल सकते हैं। और पेट्रोल कैसे डालना है, आपको ये इसको खोलना पड़ेगा, इस ढक्कन को, ये देखिए ऐसे, इसमें भी लॉक दे रखा है, इसको पहले नीचे करना पड़ेगा तभी ये खुलता है। ये खुल गया इसका कैप, और ये आपको एक पाइप दी गई है ताकि पेट्रोल आपका इधर उधर गिरे ना, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ लगा के, ये इस तरह से, तो ये हमारी पाइप वाली जेरिकन बन गई। तो सभी फिटिंग इसके अंदर आती है, और इसके साथ कुछ माउंट भी दिए गए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है दो माउंट जो हमारी बाइक में फिट हो जाएंगे, और मेन जो माउंट है ये, और साथ में दिए गए हैं क्लैंप। हमारे फ्रंट में भी ये फिट हो सकता है, बैक पे भी फिट हो सकता है। फ्रंट में हमारे जो क्रैश गार्ड लगे होते हैं उसकी जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स में ये इस तरह से हमारे पाइप्स के बीच में लग जाएगा माउंट, और साथ में बोल्ट लग जाएगा, ये दोनों तरफ लग जाएगा इस तरह से पाइप के अंदर। अगर आपके एक पत्ती भी मिलती है इसमें अटैच करने के लिए इसको माउंट को, तो वो मेरे लगी हुई है, वह मैं दिखा देता हूँ किस तरह की पत्ती है। उसमें सिर्फ 4 नट और बोल्ट लग के ये फिट हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें एक और बात बता दूं, ये लॉक वाला सिस्टम आ गया है आजकल, और पुराने मेरे पास पहले की भी एक जेरिकन है उसमें लॉक सिस्टम नहीं था, ये नए जो मैंने जेरिकन लिए उसमें लॉक सिस्टम लगा हुआ है। और इससे पहले मैं 5 लीटर की यूज कर रहा था, तो लास्ट टाइम जब लद्दाख गया था तो कई रिमोट एरिया हैं, वहां पे बिल्कुल फ्यूल नहीं मिलता, पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो 5 लीटर कई बार सफिशिएंट नहीं होता, तो इसलिए मैंने 5 लीटर एक और लिए। 10 लीटर में हमारा काम चल जाएगा, और 15 लीटर बाइक में आएगा, 10 लीटर साथ में कैरी करेंगे, तो टोटल 15 लीटर हो जाएगा, टोटल 25 लीटर हो जाएगा। तो 25 लीटर में हम अच्छी अच्छी जगह घूम सकते हैं, वापस पेट्रोल पंप आके पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ बाइक पे, वहाँ पे फिटिंग करके दिखा देता हूँ माउंट को कैसे फिट करना है, और हमारी जो जेरिकन कैसे फिट होगी, वो कैसे लगेगी वो दिखा देता हूँ। तो गाइस, हम आ गए हैं अपनी बाइक के पास। तो ये जो पत्ती की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हम अपना माउंट को लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसमें सिर्फ 4 बोल्ट लग जाएंगे और हमारा ये माउंट लग जाएगा। अगर माउंट आपके पत्ती ना लगी हो तो इस तरह से, तो इस तरह से वो क्लैंप के साथ हम अपने माउंट को लगा सकते हैं। कहीं भी ऐसी आपकी कोई भी पाइप होगी इस तरह से आगे पीछे कहीं भी, तो ये क्लैंप लग जाएगा उस पर। तो क्लैंप के थ्रू भी लगा सकते हैं और पत्ती के थ्रू भी लगा सकते हैं। और तो मेरे दूसरी तरफ लगा हुआ वो मैं दिखा देता हूँ कैसे लगा है, ये देखिए, ये हमने लगा रखा है पहले वाली हमारी जो जेरिकेन है, इस तरह से लगाना है। ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये पीछे हमने टाइट कर रखे हैं। और कैनी कैसे लगेगी वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो जेरिकन मैं लगा के दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए ये आ गई। अब इस पर हम अपना जो क्लैंप दिया हुआ है
चूड़ी वाला क्लैंप उसको लगा देंगे, तो ये हमारा ये लगा देंगे साथ में, ठीक है। अब लॉक कैसे लगाना है, ये लॉक ऐसे बाहर आ जाता है, ये अंदर कर दिया और ये, तो अब ये खुलेगा नहीं क्योंकि ये लॉक ने रोक दिया है इसका रोटेशन को, अब ये खुल नहीं सकता जब तक ये हम लॉक को बाहर खींच के निकाल नहीं लेंगे। ये लॉक को निकाल लेते हैं, ये लॉक बाहर आ गया और आप इसको आराम से खोल सकते हैं इस तरह से, ये फिर बाहर आ जाएगा। तो ये फ्यूल जेरिकन हमारी फिट हो गई है और इसको मैंने क्रोलबाग से लिया था और दोनों तरफ मेरी जेरिकन लग गई है 5-5 लीटर की। अब नेक्स्ट राइड जो मेरी लॉन्ग राइड होने वाली है लद्दाख राइड, उसमें आपको ये नज़र आने वाली है।